नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी, आज हम क्या नया सीखेंगे? आज मैं आपको अपने शरीर के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान बताऊंगी। अच्छा, बताइए दीदी, हम तैयार हैं। सुनो, वैसे तो आजकल लोग शरीर को दिमाग द्वारा नियंत्रित एक मशीन की तरह देखते हैं, पर भारतीय संस्कृति में शरीर का महत्व इससे कई अधिक माना जाता है। इसके अनुसार हम अपने शरीर को भगवान के मंदिर की तरह पवित्र मानते हैं। अच्छा हाँ, हमारी आत्मा भगवान का ही तो रूप है और वो इस शरीर में रहती है, तो हो गया ना शरीर भगवान का मंदिर, है ना दीदी? हाँ, और इसलिए हमें शरीर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए हमेशा। आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कैसा अच्छा शरीर दिया है, जिसके माध्यम से हम हर कार्य आसानी से कर पाते हैं। उंगलियां और अंगूठों के बिना तो हम लिख भी नहीं सकते थे, ना सामान उठा सकते थे और कोई काम नहीं कर पाते। कलाई, कोनी और भुजा हमारे हाथ को इधर उधर घुमाते हैं। पैर नहीं होते तो हम चल कैसे पाते? हाँ सचमुच, हर एक अंग का अपना महत्व होता है। पसलियों से हमारा सीना ढका है, इसी में सारे शरीर को खून देने वाला हमारा दिल है, और इसी में सांस लेने वाले हमारे फेफड़े भी सुरक्षित रहते हैं। इसके ऊपर क्या है? गर्दन है। हाँ, जिससे भोजन नीचे पेट में जाता है, और गर्दन के ऊपर है हमारा सिर व मुंह। हाँ, और सिर में मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग, जिससे हम सोचते हैं, और सिर की रक्षा के लिए उस पर बाल होते हैं। सामने ललाट, ललाट के नीचे आँखें, जिनसे हम देखते हैं, और सिर के दोनों तरफ हमारे दो कान, जिनसे हम सुनते हैं। हाँ, और क्या क्या है हमारे पास? नाक है, जिससे हम सांस लेते हैं और सूंघते हैं, और होठ है, जुबान है, दांत है, जो हमारे बोलने और खाने पीने के काम आते हैं। तो इस तरह हमारा शरीर भगवान की एक ऐसी देन है जो सारे काम करने में सक्षम है। पर हमारा भी अपने शरीर के प्रति कुछ कर्तव्य है, जानते हो क्या? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कैसे? अच्छा, यानी पौष्टिक खाना खाएं, और रोज मंजन करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, ताकि शरीर साफ रहे और कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल सही कहा दीदी, लेकिन कभी कभी सर्दियों में मैं नहाने में आनाकानी करता हूँ, पर मम्मी मुझे जबरदस्ती नहाने भेज देती हैं। मगर अब मैं समझ गया हूँ कि हमारे भगवान के मंदिर जैसे शरीर को हमें गंदा रखकर बीमारियों का घर नहीं बनाना चाहिए। अब से मैं बिना किसी के कहे रोज नहाऊंगा, पाखाने के बाद और खाने से पहले अच्छे से हाथ धोऊंगा, और सदा पौष्टिक भोजन करूंगा, व्यायाम करूंगा, ताकि मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और हर कार्य में अच्छे से मेरा साथ दे। बहुत अच्छे, आपको मेरी बात एकदम समझ आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।